So our next topic is building services. It also weighs 5 to 8 marks in gate. इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. फर्स्ट आई विल ब्रीफ दैट HVAC, देन वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, फायर सेफ्टी, एंड एलिवेटर एंड एस्केलेटर, एंड लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंटेलिजेंट बिल्डिंग मटेरियल्स या गृह, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे. सो एक तो ये सब थ्योरी है, और मेन इसमें से एक तो HVAC पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक रेट ऑफ वेंटिलेशन पे बेस में न्यूमेरिकल, एक वाटर सप्लाई के बेस में न्यूमेरिकल, हेजन फॉर्मूला एंड सोन, उन सब की फॉर्म वो देखेंगे. देन एलिवेटर पे न्यूमेरिकल आ सकता है. देन लास्ट में वही बिल्डिंग गृह, इसको भी स्टडी करेंगे. तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली तीन इसमें से आ सकते हैं, तीन टॉपिक्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी थ्योरी भी आती है इसमें से. सो वी विल स्टार्ट विद HVAC, दैट इज हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट या हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग. अब इसको HVACR भी कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन. HACR भी कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं बट सेम चीज है. एक MCB तो मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये तो आप सबने घर में देखा ही होगा, ये बस फुल फॉर्म याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया, कोई रिलेशन नहीं है. जो इस टाइप के होते हैं MCB, आजकल ड्राइंग तो ठीक है, मतलब जो सर्किट ब्रेक करते हैं, दैट इज मीन. तो HVAC में सबसे पहले एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे. एयर कंडीशनिंग के दो काम होते हैं इन द एंटायर बिल्डिंग. फर्स्ट द मेन इम्पोर्टेंट इज टेम्परेचर कंट्रोल एंड सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ एयर. टेम्परेचर कंट्रोल मीन्स हीट टेम्परेचर इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, वो कंट्रोल में होता है. सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ एयर. क्वालिटी ऑफ एयर मीन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी या उसके ऑर्डर ऑफ एयर, वो सब कुछ, ठीक है. तो जो हमारे घर में ACs होते हैं, मीन्स जो भी विंडो AC या स्प्लिट AC होते हैं, तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल तो हो जाता है बट बाकी ये सारी चीज़ें नहीं होती. मीन्स अगर मैं उसका एक वो बनाऊँ, मीन्स ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि ऑक्सीजन तो आ ही रही है, AC चल रहा है तो ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन AC सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं करता हमारा विंडो AC या स्प्लिट AC. सो एक मैं मतलब एक AC का हल्का सा स्केच देख लेते क्योंकि एक बार इस पे क्वेश्चन आया था. यहाँ पे फैन, यहाँ भी फैन, ओके. सो सबसे पहली बात कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं करते, तो इट इज़ सैड दैट कि ऑफिसों में तो चलो फिर भी गेट खुलता रहता है, लेकिन जब हम रात को सो रहे होते हैं तो 8 घंटे बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, इसलिए बीच में एक दो बार गेट खोल देना चाहिए. क्योंकि ये AC सिर्फ AC में होता क्या है कि हवा यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती रहती है, और ये वाली हवा जो विंडो AC की बता रहा हूँ,
यहाँ से हवा लेता है और यहीं से निकाल देता है, तो इनके बीच में कभी भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आती एसी से, विंडो एसी या स्प्लिट एसी किसी से भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे होता है कंप्रेशर, देन हेयर इज एक्सपेंशन वॉल, ये दोनों कोयल्स और यहाँ पे फैन। तो एसी का प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है, जैसे हमने एसी ऑन किया, एक्सपेंशन वॉल्व में से कोल्ड लिक्विड निकला, कोल्ड लिक्विड, ठीक है। ये कोल्ड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, मतलब लिक्विड इज़ नॉट वाटर, इट्स फर्स्ट, पहले तो HCFCF यूज़ करते थे, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, लेकिन अब तो कुछ और यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले निकलता कोल्ड लिक्विड, फैन के पास गया, फैन चल, वो कोल्ड के पास गया, कोल्ड में गया, फैन चल रहा है, तो ये ठंडी हवा फेंकता है, दिस इज इंडोर, तो कूलर एयर, ठीक है। फिर ये कोल्ड लिक्विड ऊपर गया, मतलब यहाँ से होता हुआ, तो ये कोल्ड वेपर बन जाता है क्योंकि इसमें से कूलनेस निकल गई, जब इस जो भी इस लिक्विड है इसमें से कूलनेस निकल गई तो ये वेपर बन जाता है। मीन्स ये उस टाइप के वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं हम, या लिक्विड यूज़ करते हैं जो हवा देने पर, वो उनको हल्की सी गर्मी देने पर पहले वो स्टेट चेंज होती है उनकी, ठीक है, उसके बाद उनकी टेम्परेचर में चेंजेस आता है। तो कूलनेस होने पर उनकी पहले स्टेट चेंज हुई, मतलब लिक्विड से वेपर बन गया, ये नहीं कि कोल्ड का कोल्ड रहा, लिक्विड से वेपर बन गया। फिर कोल्ड वेपर जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर में हम जानते हैं कि कंप्रेस होता है और PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, एंड सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जैसे जैसे कंप्रेस होता है कोल्ड की जगह ये हॉट होता जाता है, सो यहाँ पे हॉट वेपर आए, ठीक है। सो हॉट वेपर जब इस कोयल में आते हैं और यहाँ पे फैन चल रहा होता है, तो इस फैन की वजह से इस हॉट वेपर में से गर्मी निकलती है, ठीक है। तो हॉट वेपर अगेन हॉट लिक्विड बन जाता है, तो हॉट लिक्विड जब एक्सपेंशन में जाता है तो वहीं पे वही PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। तो हॉट की जगह अगेन ये हॉट लिक्विड कोल्ड लिक्विड बन जाता है और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये AC का प्रोसेस है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आती। बस मेरा मेन कंसर्न इसमें ये बताने का था कि एक बार क्वेश्चन आया था कि इन द AC इन कोयल्स व्हाट हैपन और इन कंप्रेशन एंड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वॉल व्हाट हैपन्स। सो इन कोयल्स, कोयल्स में कोल्ड लिक्विड से कोल्ड वेपर बना, मीन्स क्वेश्चन में ये आया था टेम्परेचर डजंट चेंज, प्लस या स्लैश स्टेट चेंज, एंड इन कंप्रेशन और एक्सपेंशन वॉल्व में हॉट से कोल्ड बना, मीन्स टेम्परेचर चेंज, बट लिक्विड से लिक्विड रहा तो स्टेट डजंट चेंज। ओके, इनसाइड आउटसाइड और ये सारी रेफ्रिजरेंट्स लाइन होती हैं जो कोयल्स, रेफ्रिजरेंट लाइन्स जो कॉपर की बनती हैं, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर नॉर्मली अंदर चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ HVAC। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट मीन्स AC का वो पार्ट है जो, मतलब वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो थर्मोस्टैट के अंदर आती है, ठीक है, मीन्स जैसे वो डिज़ायर टेम्परेचर पे सेट करने को,
तो थर्मोस्टेट यूज़ होता है टू सेट द, मतलब जो टेम्परेचर सेट होता है डिज़ायर पे, दैट इज़ थर्मोस्टेट, जिस उसकी वजह से होता है, जिस पार्ट की वजह से टेम्परेचर सेट होता है दैट इज़ थर्मोस्टेट। ठीक है ना, जैसे मतलब वेन एवर आवर रूम टेम्परेचर बिकम्स टू हॉट या टू कोल्ड तो थर्मोस्टेट ट्रिगर हो जाता है एंड तो इवेपोरेटर कोयल्स और वो जो भी होता है वो उसको कम वो करता है कि स्टार्ट हो जाओ और काम शुरू हो जाओ, तो दैट पार्ट इज़ नोन एज थर्मोस्टेट। मीन्स वेन एवर रूम टेम्परेचर गेट्स लो और हाई सो थर्मोस्टेट फिगर्स बी अदर पार्ट्स। ठीक है, देन आता है इवेपोरेटिंग कॉइल्स और कंडेंसिंग कॉइल्स, ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है ना, ये दोनों कॉइल्स वेपोरेटिंग कॉइल्स और कंडेंसिंग कॉइल्स हैं, और सॉरी ये दोनों कॉइल्स कॉइल्स ही हैं, ये कॉइल्स होती हैं, ये कंप्रेशर यूनिट होती हैं। दीज आर कॉइल्स जो ऐसे पतली पतली लाइंस होती है जिसमें से पानी जाना होता है, कूलेंट मीन्स। तो ये कॉइल्स होती हैं, इनको रेफ्रिजरेंट लाइंस भी कहते हैं क्योंकि ये उसी की बनी होती हैं। तो ये ट्यूब्स कैरी द रेफ्रिजरेंट्स और द कूलेंट बिटवीन दीज फोर, ये बनती हैं बेसिकली कॉपर और एलुमिनियम की। क्योंकि ये दोनों मटेरियल हीट और वो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट इज डक्ट वर्क। डक्ट वर्क इज द सिस्टम ऑफ डक्ट्स जो सप्लाई करता है, जनरली मेड ऑफ लाइट मटेरियल, मेड ऑफ लाइट मटेरियल दैट इज एल्यूमिनियम, और ट्रांसपोर्ट द कंडीशन एयर, सप्लाई द कंडीशन एयर टू इन ऑल ओवर द बिल्डिंग। ठीक है, तो डक्ट वर्क में ही एक टर्म आती है डैम्पर्स। डैम्पर आर दोज प्लेट्स या एडजस्टेबल प्लेट्स जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एयर, कंट्रोल दी फ्लो या वॉल्यूम ऑफ एयर। ये होते कैसे, जैसे डक्ट वर्क है इस टाइप का, एक डक्ट में ही लगा होता है कि अगर आपको इस रूम में वेंटिलेशन नहीं चाहिए या कंडीशनिंग नहीं चाहिए तो ये ऐसे बंद हो जाता है, अदरवाइज ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल भी करता है कि कितनी ज़्यादा कितनी कम चाहिए, तो दैट इज डैम्पर। देन नेक्स्ट आता है वेंट्स एंड डिफ्यूज़र्स। वेंट्स होते हैं आउटलेट होते हैं जो जिसमें से हवा निकलती है, सो दीज आर द आउटलेट्स फॉर एयर जिसमें से जो मतलब रूम में खुलते हैं, ओपन इन टू द रूम एंड, तो इस टाइप के होते हैं ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स ये वेंट होते हैं और ये होते हैं डिफ्यूजर्स, डिफ्यूजर्स। ठीक है, डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, ये होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं कि सब जगह हवा जाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिन जो ये प्लेट्स होती हैं दीज आर नोन एज डिफ्यूजर्स, और ये वेंट पूरा। इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज ह्यूमिडिटी कंट्रोलर।
अब ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दोनों होते हैं, या तो बढ़ा भी सकते हो या आप कम भी कर सकते हो। तो इसमें ड्यू ह्यूमिडिफायर या फिर स्प्रे वॉशर, स्प्रे वॉशर नाम से ही मतलब क्लियर है कि व्हेन वी नीड ह्यूमिडिटी तो उस पे उस एयर में जाते वक्त हल्की सी पानी की स्प्रे करते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमिडिफायर। और ड्यू ह्यूमिडिफायर दो टाइप से होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन एंड वन इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो हमें पता ही है कि जैसे सिलिका जेल, सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये अब जैसे एक मतलब पानी, एक हवा जिसमें वाट वेपर है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसको हम सिलिका जेल होती है एक, उसमें से पास कराते हैं, तो ये सिलिका जेल उसमें से ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे पास ड्राई एयर भेजती है। इसमें से वेट एयर अगर हम पास आउट कराते हैं, दैट इज सिलिका जेल, या ऐसे बहुत सारे कॉम्प मटेरियल्स हैं जो इस काम को करते हैं। वेट एयर पास आउट होती है एंड देन वी गेट ड्राई एयर। एड्सोर्प्शन क्या होता है, एड्सोर्प्शन होता है कि एक कोई भी कोल्ड लिक्विड वो है, मीन्स कोई सी भी कोल्ड बॉडी है, उसके ऊपर से जब वेट एयर पास आउट होती है तो उसके ऊपर ड्रॉप्स बन जाते हैं पानी के, मतलब जब इस वेट एयर में को कूलनेस मिलती है तो इसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो आगे हमारे पास मोस्टली ड्राई एयर आती है। तो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कि पानी की बॉडीज उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मीन्स ये आपने देखा ही होगा जब वो बारिश के दिनों में ठंडी बोतल जब हम फ्रिज पे रखते हैं, तो फ्रिज के बारिश के दिनों में ठंडी बोतल जब हम बाहर रखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो बारिश, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पानी बहुत जल्दी जम जाता है। और बारिश के दिनों में देखा होगा कि एसी में से भी पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ एड्सोर्प्शन, क्योंकि अंदर कोयल्स ठंडी होती हैं तो सारा ह्यूमिडिटी जमता, पानी जमता जाता है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द HVAC। HVAC में एक लास्ट टॉपिक ये आ जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट। इसको एयर ट्यूब भी कहते हैं, रूफ टॉप भी कहते हैं, आउटडोर यूनिट भी कहते हैं, मेकअप यूनिट भी कहते हैं। ये जब हम एयरपोर्ट्स डिज़ाइन कर रहे थे तब ये काम आया था, मतलब मेकअप, ये जब आप मॉल वॉल एनीथिंग डिज़ाइन करोगे तब ये एच यू देना पड़ता है। ओके, तो एच यू मेंटेन रेगुलेट करता है, ये वही पार्ट है HVAC सिस्टम का जो ये सब कुछ रेगुलेट करता है, मतलब फिल्टर्स, हीटिंग, कूलिंग और ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्डर ऑफ एयर, ये सब कुछ ये इसमें कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। ठीक है, जिस सिस्टम में सब कुछ कंट्रोल होता है, AHU होती है, एक मशीन होती है, मतलब हम तो जनरली रूम प्रोवाइड करते थे पर उसके अंदर मशीन्स होती थी जिसमें से फ्रेश एयर आती थी, एक ये वाली एयर आती थी और वो सब कुछ सर्कुलेट होकर फिर रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, दैट इज़ नोन एज AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। सो इसमें जो मेन आते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, रेट फ्लो के सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है रेट ऑफ फ्लो एयर, फ्लो या फ्लो ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज रेट। मीन्स ये आपके पास एक विंडो है, ठीक है, दिस इज अ विंडो। तो इसमें से जितनी भी हवा निकली, मान लो अभी तो ये स्क्वायर है मान लो, ठीक है, हवा जितनी भी निकली इसमें से, हवा कैसे निकलेगी, स्क्वायर
की फॉर्म में निकलेगी, मतलब एक तरफ अगर इसका डी एक्स बाई डी टी देखूँ मैं तो इस फॉर्म में हवा निकलेगी। तो रेट ऑफ फ्लो होता है कि आर इज इक्वल टू दिस एरिया एरिया इनटू में स्पीड, कि मान लो एक सेकंड में हवा इतनी निकली तो टोटल हवा कितनी होगी हमारे पास, टोटल हवा होगी ये एरिया इनटू में इतनी हवा, मतलब ये वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मान लो ये एक सेकंड में इतनी हवा निकल गई, तो दिस एरिया इनटू में दिस लेंथ इज दिस एंटायर वॉल्यूम। सो दिस एरिया, अभी इसका एरिया मान लो ए, इनटू में ये एंटायर लेंथ कितनी होगी, एंटायर लेंथ हमें दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी होती है मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतने मीटर। सो एरिया इनटू मीटर पर सेकंड, दिस इज नोन एज रेट। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम अपॉन मीटर पर सेकंड, मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड, और मीटर क्यूब को लीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी यूनिट होती है रेट ऑफ फ्लो की, ठीक है ना। मीन्स अगर ये 2x2 का विंडो, 2x2 की विंडो है और उसने कहा कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चल रही है, तो मैं वो पूछेगा कि एक सेकंड में कितनी हवा अंदर आ जाएगी, तो एक सेकंड में हवा आएगी 2 × 2 × 3, दिस इज नोन एज 12 मीटर क्यूब सेकंड, ठीक है। तो 12 मीटर क्यूब हवा एक सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगी, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, तो एक तो बन गया आर इंटू में ओ आर इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, जितनी तेज हवा चल रही है। दूसरा फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम इंटू में नंबर ऑफ एयर चेंजेस, नंबर ऑफ एयर चेंजेस, ठीक है। ये क्या है कि एक आपके पास रूम है, तो इन्होंने बताया, दे आर सेइंग कि रेट, एक तो ये हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी, दूसरा रेट का फॉर्मूला है कि इस पूरे रूम में जितनी भी हवा है, उन्होंने कहा कि हमने डक्ट्स लगा दिए इसमें, और उन डक्ट, वो डक्ट, ठीक है, वो डक्ट 3 घंटे में या 1 घंटे में 3 बार इसकी हवा बदल सकती है। मतलब कि आपने 1 बजे लगाई या 12 बजे आपने डक्ट लगाई, स्टार्ट किया, तो उसने कहा कि 3 बार, 12 बजे आपने लगाई, आपने एक धुआं छोड़ा ऑरेंज कलर का जो पूरे कमरे में फैल गया, इसमें एक तो इनलेट होगी, एक आउटलेट भी होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसने कहा कि 1 घंटे में विद इन 1 आवर इट चेंजेस 3 टाइम, इट कुड चेंज 3 टाइम इट्स एयर, तो 12:20 पे पूरी हवा चेंज हो जाएगी, फिर आप दोबारा एक धुआं छोड़ोगे 12:40 पे, मतलब वो सारा धुआं निकल जाएगा, इसका कहने का मतलब है, और एक बजे, तो 12 से 1 घंटे के अंदर 3 बार अगर आप धुआं छोड़ोगे तो 3 बार ये धुआं निकाल सकता है, या 3 बार इस पूरे कमरे हवा की, उस पूरे कमरे की हवा चेंज कर सकती है। सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ एयर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ रूम इंटू नंबर ऑफ एयर चेंजेस, इस पूरे कमरे का वॉल्यूम इंटू में 1 घंटे में नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर या पर सेकेंड, ये हम देखेंगे उसके हिसाब से, ये भी वो होता है वॉल्यूम ऑफ रूम इंटू नंबर ऑफ एयर चेंजेस। वॉल्यूम ऑफ रूम कितना हो गया, मीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ एयर चेंजेस, नंबर तो इस नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पर आवर मीन्स पर सेकेंड या पर आवर, तो यूनिट वही है लीटर पर सेकेंड, इसकी भी जो अभी यूनिट चल रही थी वही यूनिट है, पर आवर हमें आवर को हमेशा सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। और याद रखना क्वेश्चन में हर बार आवर गिवन होगा कि इट चेंजेस 3 टाइम्स इन आवर 1 आवर, तो हम उसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो या तो इसको फॉर्मूला याद रख लो कि वॉल्यूम ऑफ रूम इनटू नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये 3600 याद रखना है, आवर को सेकंड में चेंज करने हैं इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में सेकंड मिनट में गिवन हो तो उसको 600 से वो करना, 60 से, ठीक है। सो दो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है उसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, डेट इज लोड ऑफ रूम, कि किस कमरे में कितने टन का एसी लगे, मतलब इसे आप अपने घर का कितने टन कमरे में कितना वेंटिलेशन ऑफ वेंटिलेशन हीट फ्लो, इससे लोड ऑफ रूम से निकालेंगे कि किस कमरे में कितना लोड आना चाहिए, उस कमरे का साइज़ और वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप उस कमरे का लोड निकाल सकते हो कि इसमें 3 टन का, 2.5 टन का, 1 टन का एसी कैसे लगाना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एस इंटू आर इंटू डेल्टा टी। क्यू इज लोड जो हम निकालेंगे, एस इज स्पेसिफिक हीट जो हर कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या होती है 1300 जूल्स मीटर क्यूब पर डिग्री। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट होती है कि जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मींस आपका हम एक पानी है, हम उसको इसको अग्नि दे रहे, मतलब हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसका उसकी टेम्परेचर मान लो पहले था 35 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उसका 36 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जितनी अमाउंट ऑफ हमने हीट दी, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। और लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे ही वो पानी गैस में बदलता है, मीन्स व्हेन इट चेंज इट्स स्टेट, तो जो हीट रिलीज हुई दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। और जो हमने हीट दी और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो उसका वो होती है स्पेसिफिक हीट, जैसे पहले 22 है बाद में 23 हो गया, तो वो जो अमाउंट दिया हमने उसको हीट का, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो इसकी यूनिट कैसे है कि मतलब एयर की दे रखिए 1300 जूल्स रिक्वायर है 1 मीटर क्यूब एयर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो 1300 जूल्स पर मीटर क्यूब पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। सो 1300 जूल्स इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। सो एस हो गया स्पेसिफिक हीट, आर हो गया रेट ऑफ फ्लो उस कमरे या उस बिल्डिंग या उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है जो हमने यहाँ से देखा, और डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, कि आपको टेम्परेचर कितना डिफरेंस चाहिए, बाहर कितना है और अंदर कितना चाहिए। तो इसके बेस पे बस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया स्पेसिफिक हीट हो गया। तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि रूम का वॉल्यूम दे रखा है, रूम वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 × 4 × 3 12 × 36 m³ रूम का वॉल्यूम हो गया, एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन 36 − 26 °C, दैट इज 10 °C का टेम्परेचर डिफरेंस है ये, ठीक है ना, टेम्परेचर नहीं है, बाहर और आउटसाइड माइनस इनसाइड टेम्परेचर डिफरेंस। स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में गिवन है 1300 जूल्स। ओके मैं क्वेश्चन लिखवाना भूल गया, चलो ये वाला सिंपल सही है, नंबर ऑफ एयर चेंजेस भी गिवन है, नंबर ऑफ एयर चेंजेस 3 पर आवर, तो ये देख लो 3 पर आवर गिवन है, ठीक है ना। तो क्या इज इक्वल टू सिंपल सा आर, ये 1300 इंटू में आर क्या होगा, ये इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम है 36, 3 पर आवर, 3 पर आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 एंड 10 डिग्री, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज़ आवर वाट। अच्छा इसकी यूनिट वाट कैसे हुई, क्यू, ये और देख लो, यूनिट्स कहीं पर आती हैं याद रखना, जूल्स मीटर क्यूब डिग्री सेल्सियस, इसकी मीटर क्यूब
पर सेकंड, डेल्टा टी इज डिग्री सेल्सियस। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, सही गया, एंड तो बचा जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, ठीक है ना, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वाट, और वाट से निकल सकता है आपका टन, कैसे, मतलब जो भी वाट आएगा, सो वन टन इज इक्वल टू 3.5 किलो वाट। तो अगर आपका 3.5 किलो वाट आपके कमरे का वेटेज आते तो आपको 1 टन एसी लगाना है, 7 आते तो 2 टन एसी, ऐसी 2.5 टन एसी, तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आएगा, बस ये याद रखना 3600, क्योंकि कई बार ये 3 पर आवर होती है, कई बार अगर मान लो इन्होंने दिया होता 3 पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर 3 बार चेंज हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर इतनी हवा आ रही है कि 3 बार ये कमरे का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, देन हम लिखते हैं 1300, 3600, 3, 7 और 10। ओके, सो एक ये न्यूमेरिकल है, अभी तो मेरे पास और न्यूमेरिकल्स है नहीं, आई विल अटैच द पिक्स, तो आप उसमें से सॉल्व कर लेना। मैंने आपको बता दिया डैम्पर्स यूज फॉर कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ डैम्पर्स, कंट्रोल फ्लो एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर, कंडीशनड एयर, डक साइज जो होता है, जो डक साइज निकालते हैं वो डिपेंड करता है एयर फ्लो और वेलोसिटी पे, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है डक साइज, जनरली हम लेते हैं 1:3 मीन्स डेप्थ टू विड्थ रेशियो 1:3 लेते हैं, ये कभी डिज़ाइन करने को आएगा नहीं, बट जनरली बता रहा हूँ कि ये लेते हैं हम, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये 8 टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व हो गए। अच्छा, अगर आपको अपने रूम का निकालना है, क्या इज इक्वल टू एस आर डेल्टा टी, तो एस तो हमें पता ही है, क्यों निकालना है हमें, एस पता ही है, डेल्टा टी आप ले सकते हो अगर बाहर का 35 है, तो हमें तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर 22 या 25 के आसपास से ही होता है, जो आप लेना चाहो ना। यहाँ पे आर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी हम रूम का नंबर ऑफ चेंजेस, वेलोसिटी एसी की, उसमें हम रूम का साइज नहीं दे रहे, हम जब अपने रूम का निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं कि फॉर अ पर्सन, इट इज़ अज्यूम कि 8 से 12 लीटर पर पर्सन पर सेकंड, सो 8 से 12 लीटर पर पर्सन के हिसाब से पर सेकंड में हवा चेंज होनी चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने नंबर ऑफ बंदे उस रूम में रह रहे हो, ये ज़्यादा बढ़ा रहा है, या फिर इट इज़ एज्यूम कि आपका जो कमरा है उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, जो उनमें से ग्रेटर रहता है उसको लेते हैं, उसमें से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, तो पर पर्सन 600, इसकी यूनिट थी कुछ 600 समथिंग ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब इंसान जब सांस लेता है तो 600 समथिंग ऑक्सीजन लेता है एवरेज, इसकी कुछ यूनिट है, एमजी नहीं है, 600 समथिंग ऑक्सीजन लेता है, तो इसीलिए कहते हैं जब आप रात को कमरा बंद करके सोते हो एसी चला के, तो रात को खोल देना चाहिए 1-2 बार 600, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, 600 समथिंग ऑक्सीजन लेता है पर पर्सन अपनी पर रेस्पिरेशन में, तो उस हिसाब से निकालते हैं, इनमें से जो भी फैक्टर ग्रेटर आता है उसको लेते हैं आर, ठीक है। तो ये अभी हमारे कंसीडर में नहीं है, जस्ट बेसिक नॉलेज बता रहा था, आर का ये फॉर्मूला याद रखना, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, इसमें एक वो और है कंसेप्ट, दैट इज स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग ऑफ एसी, एसी को स्टार रेटिंग किस बेस में मिलती है, तो इसमें एक होती है ईईआर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू कूलिंग कैपेसिटी अपॉन में पावर कंजप्शन,
मीन्स कितनी वो कूल कर रहा है उसके अपॉन में कितनी वो बिजली खा रहा है, दैट इज़ पावर कंजप्शन। ओके, तो कूलिंग कैपेसिटी हमने अभी देखी, जो रेट लोड है दैट इज़ वाट, और पावर की यूनिट भी वाट, सो इसका वो होता है यूनिट लेस। ओके, तो ये यूनिट लेस है, तो इसमें जो भी मतलब आंसर आता है ना, मान लो 550 आया या 600 आया, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बेस में उन्होंने डिसाइड करा होता है कि वन स्टार में इतना आना चाहिए, सेकंड स्टार में इतना आना चाहिए, कि 500 से 600 की रेंज में आना चाहिए, ये सब कुछ जो भी इसका डिवीज़न करके आएगा, तो उसके बेस पे इसको स्टार रेटिंग्स मिलती है, 5 स्टार 4 स्टार जो भी है। और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन हम इसी, ये हमारे क्वेश्चन में इसी के फैक्टर बेस पे ही होगा। ओके, सो ये हो गया। तो एक न्यूमेरिकल और जिसमें गिवन है कि 4 AC डक्ट्स हैं, 4 AC डक्ट्स, उनका एक एसी डक्ट का एरिया इज 0.35 m² एंड उसमें से वेलोसिटी है 0.5 m/s, डेल्टा टी इज गिवन 10 डिग्री सेल्सियस, एस इज गिवन 1250, यहाँ पे एस चेंज है, ठीक है, सिंपल ही है, उन्होंने फिर क्यों ही मांगा है, एस आर डेल्टा टी सब कुछ ही गिवन है, आर आर हर बार ना क्वेश्चन में आर चेंज होगा बस, 4 नंबर ऑफ AC, वो डक्ट 4 है जिनका, तो सब कुछ दे रखा है बस, वही है सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइसोलेटेड एनक्लोजर हैविंग इनलेट पी एंड आउटलेट क्यू ऑफ 2 मीटर ईच, एक आइसोलेटेड एनक्लोजर है, एन आइसोलेटेड एनक्लोजर हैविंग इनलेट पी, पी इनलेट है एंड क्यू आउटलेट क्यू ऑफ 2 स्क्वायर मीटर ईच ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल, मीन्स अगर ये एक वॉल है तो पी यहाँ पे आउटलेट क्यू ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल और 2 स्क्वायर मीटर ईच, दोनों का एरिया है 2 स्क्वायर मीटर, ठीक है, एंड विंड स्पीड इज 5 m/s, विंड स्पीड इज 5 m/s, सपोज विंड इज फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट, विंड वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग, एंड कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस इज 0.6, कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस 0.6 एंड रेट ऑफ नेचुरल, सो द रेट ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन इन एनक्लोजर ड्यू टू विंड इज हाउ मच, सो दे आर आस्किंग रेट ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन, तो उन्होंने इस बार रेट पूछा है, रेट ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन ड्यू टू विंड, ड्यू टू विंड इन मीटर क्यूब पर आवर इज हाउ मच, तो उन्होंने तो रेट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक और गलती क्या हुई थी, सबसे हमारे पास सब कुछ दे रखा है, विंड स्पीड कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस इज लाइक कि मतलब अगर आपके पास एक विंडो है उसका एक कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस यही होगा जितना वो दे सकता है, 0.6 उसमें इंटू कर दो, मतलब उतना ही 0.6 का मतलब है उसका फैक्टर हो गया एक टाइप का, कि अगर वो एक देता था तो हमने कहा उसका इफेक्टिवनेस 0.6 है, कि वो 0.6 दे रहा है, एक मतलब एक की बजाय 0.6 हो गया बस, वो उसका इफेक्टिव थोड़ी सी कम है क्योंकि उसमें मान लो लूवर्स लग गए या रेलिंग लग गई तो उतनी हवा नहीं निकलेगी जितनी एक खुली विंडो में से निकलनी चाहिए, तो उससे इफेक्टिवनेस कम है। तो बस इसमें गलती क्या हुई थी सबसे ही, कि 2 स्क्वायर मीटर एंट्री और 2 स्क्वायर मीटर एग्जिट, तो हमने क्या ले लिया था, 2+2 4 स्क्वायर मीटर इसका विंडो का वेंटिलेशन, उसकी स्पीड होगी 5 m/s और 4 को पहले हमने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 और 20 और 2 1.2 m/s
इसको आवर में चेंज कर लेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया इसका आंसर, जबकि ये गलत है। गेट के कोई कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें से हवा घुस रही है और इसमें से निकल रही है, सो ओनली वन डक्ट यूज़ हो रही है हवा की एंट्री के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि 2 × 0.6 × 5 m/s, तो 6 m³/s इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग आंसर था, क्योंकि एक हवा घुसने के लिए एक हवा निकलने के लिए, सो ओनली एक डक्ट यूज़ हो रही है हवा की एंट्री के लिए। अगर इन्होंने दिया होता कि ये दोनों एंट्री वो हैं आर्टिफिशियल एंट्री हैं, मतलब मैन मेड एंट्री हैं, तो दोनों में से हवा घुसती वो चाहे निकले दरवाजों में से कहीं से भी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में से हवा निकल घुस रही होती चाहे वो अपोजिट वॉल पे ही होती तो हम ये लेते, लेकिन एक घुस रही एक निकल रही है तो हम एक ही यूज़ होगी फॉर द एंट्री ऑफ द एयर, तो हम टू लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये ट्रिकी पार्ट था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, आफ्टर स्टार रेटिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूम एयर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशन एयर इन आवर रूम्स। ठीक है, बेसिकली इट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम आवर रूम टू आउटसाइड, तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, यू कैन सी एयर फ्लो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मिक्सिंग सिस्टम, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट सिस्टम। ओके, सो इन मिक्सिंग सिस्टम क्या होता है, इफ दिस इज अवर हाइट, इसमें क्या है एच इज लो, इन डिस्प्लेसमेंट सिस्टम हाइट इज हाइयर देन दिस। ओके, जब हाइट हमारी कमरे की या किसी भी रूम की बिल्डिंग की हाइट कम हो, मीन्स फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज लोअर, तो इस केस में क्या होता है, हम इनलेट एयर, मतलब इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा स्प्लिट एसी और विंडो एसी काम कर सकते हैं, मीन्स इनलेट एयर भी हमारी ऊपर से ही आई। ठीक है, इनलेट एयर हमारी ऊपर से आई और जो हमारी वॉर्म एयर है, हॉट एयर है, मतलब इनलेट एयर कूल एयर आई यहाँ से और जो वॉर्म एयर है स्टैक इफेक्ट का होकर वो यहीं से इसमें चली गई। ठीक है, वेयर रूफ लेवल इज लो, तो जो इनलेट एयर एंड आउटलेट एयर दोनों अपर में प्रपोज किए जाते हैं, मतलब आप इनलेट या नीचे प्रपोज कर सकते हो लेकिन इसमें हम ऊपर ही प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तब हम इनलेट एयर नीचे से प्रोवाइड करते हैं और आउटलेट ऊपर से। व्हेन हाई हीट, मतलब इन केस ऑफ ऑडिटोरियम या लाइब्रेरी, जितनी फ्लोर हाइट ज़्यादा होती है, तो जितने भी ऑडिटोरियम मॉल वॉल देखोगे, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, उसमें नीचे से कूल एयर जाती है और ऊपर से, क्योंकि वार्म एयर राइजेस अप, तो ये ऊपर से आउटलेट होता है इन सब का। तो इनलेट एयर लोअर, फिर आउटलेट लोअर एट लो स्पीड, इसमें धीरे धीरे छोड़ते हैं, और आउटलेट में जो हाइयर होता है तो इसमें हाई स्पीड होती है इसकी लेने की,
जब हाई स्पीड होगी, मतलब जब ज़्यादा हवा एकदम से निकलेगी तो सारी कूल हवा अपने आप ऊपर जाएगी, तो इसमें आउटलेट की हाई स्पीड होती है और इनलेट की नॉर्मल स्पीड होती है। तो इसमें दो टर्म आती हैं, CAV NVAV। अच्छा, मतलब गेट में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि गेट में कभी भी ऐसे नहीं आता कि व्हाट इज CAV, उसमें चार ऑप्शन आते हैं, मतलब चार इधर मैच द फ्लोइंग्स में ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हो सकता है एक आ जाए आपका CAV और उसकी फुल फॉर्म यहाँ दे रखी हो या कुछ भी रिलेटेड में, तो मतलब एक मिल जाएगा, दो मिल जाएगा ना, तो दो आप तुक्के मार के कर सकते हो। तो इसलिए जितने टॉपिक्स मिले सबको एक बार नज़र तो मारते ही चलना। तो CAV इज कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम, और जब दो मिल जाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है भाई। कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम एंड VAV इज वेरिएबल एयर वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम मीन्स जो भी आपकी सिस्टम है HVAC की सिस्टम, वो हमेशा कॉन्स्टेंट एयर छोड़ेगा। इसमें अलग अलग, मतलब आपकी फ़ैन की स्पीड सेम रहेगी, फ़ैन की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, उसमें रेगुलेटर नहीं है फ़ैन में, तो फ़ैन की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। इसका मतलब आपको अगर टेम्परेचर चाहिए, मान लो आपको टेम्परेचर चाहिए 23 डिग्री का, तो आपको, तो इसमें क्या होता है, फ़ैन की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी और जो आपका टेम्परेचर है मीन्स थर्मोस्टेट है वो वेरिएबल होगा। कंप्रेसर आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब क्या, आपको अगर 23 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए अपने कमरे का, तो आपका कंप्रेसर 23 डिग्री के लिए वर्क करेगा, ठीक है। देन आपको चाहिए कि नहीं और ठंडा चाहिए तो 18 डिग्री के लिए, तो आपको कंप्रेसर 18 डिग्री के लिए वर्क करेगा। ये हम बात करें HVAC सिस्टम्स की। हमारे घर में जो नॉर्मल AC होते हैं उसमें तो दोनों काम करते हैं, आप फ़ैन भी कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि उसमें फ़ैन का बटन भी होता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हम बड़े सिस्टम्स की बात करें, उसमें कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम और VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है। तो कॉन्स्टेंट एयर में वॉल्यूम, फ़ैन की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। वेरिएबल एयर वॉल्यूम में फ़ैन की स्पीड वेरिएबल हो सकती है, मतलब वेरिएबल होगी, और जो आपका टेम्परेचर है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये नहीं है कि आप कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपका थर्मोस्टेट का, कंप्रेसर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए अपने कमरे का, आपका जो कंप्रेसर है वो हमेशा मान लो 18 डिग्री पे ही चलेगा, वो हमेशा हवा देगा 18 डिग्री की ठंडी की, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मेरे को, आपको चाहिए कि मेरे को 35 डिग्री, वो 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कमरे में, लेकिन जो 18 डिग्री छोड़ेगा तो क्या होगा, तो ये कंप्रेसर हवा ठंडी देगा लेकिन जो आपका फ़ैन है वो हवा कम लेगा, वो कम देगा, मतलब 18 डिग्री की कम हवा फेंकेगा, जिससे आपका टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा रूम का, ठीक है। आपको चाहिए अभी 25, अब आपको चाहिए 20 डिग्री कमरे का, तो हो सकता है ये 18 डिग्री की ठंडी हवा थोड़ी ज़्यादा फेंकेगा, मतलब फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कंप्रेसर आपका 18 डिग्री पर ही वर्क करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, सो देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम का। एडवांटेज ये होता है कि आपका कंप्रेसर, मतलब योर कंप्रेसर इज़ वर्क ऑन अ सेम टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, तो उसकी एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज मोर, क्योंकि जब एक ही टेम्परेचर पे काम करेगा तो उसकी कंप्रेसर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मीन्स मतलब ये आपने सुना ही होगा कि वो जो पंखा है, मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे बढ़ाने में दिक्कत होती है, चाहे उसको आप ऊपर ही तेज कर लो, मीन्स आप फ़ैन की स्पीड है, आप बार बार उसको 5 पे या 2 पे करोगे तो ज़्यादा बिजली खर्च होगी, इसकी बजाय कि अगर आप उसको 3 पे चलाते रहो, ठीक है। तो जब आपका कंप्रेसर एक ही फिक्स टेम्परेचर पे करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बस ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि मतलब उसको कम, जैसे होता है ना कि AC को ऑन ऑफ करने की बजाय आप किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चला लो,
तो बिजली कम आएगी, क्योंकि उसको ऑन ऑफ करने में उसका कोफिशियंट तो फ्रिक्शन होता है, जैसे किसी भी गाड़ी को खिसकाने में, एक बार रुकने के बाद उसको दोबारा खिसकाने के बाद, मतलब एक गाड़ी है या पत्थर स्टोन जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन उसको रोक के दोबारा चलाने में एक कोफिशियंट ऐड हो जाता है, दैट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, वो म्यू। ये कुछ वर्ड होता है कि स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है कि उसको ओवरकम करना होता है, मतलब मान लो अगर पहले 5 न्यूटन चाहिए आपको इसको खिसकाने के लिए, अगर नॉर्मली 5 न्यूटन में खिसक रहा है तो इसको स्टार्ट करने के लिए 5 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन चाहिए होता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। एक बार स्टार्ट हुआ फिर तो चलता रहेगा। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना एडवांटेज ऑफ VAB एफिशिएंसी। देन एक नेक्स्ट टर्म आती है थर्मल और टेम्परेचर इन्वर्जन। वैसे ये उसका है टॉपिक है इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट प्लानिंग का, लेकिन यहाँ पे याद आ गया मेरे को। तो होता है क्या, ये आपकी अर्थ है, जनरली क्या होता है व्हेन वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर आपका कम होता जाता है ना, वैष्णो देवी जाते तो धुंध बनने लगती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, मीन्स PV इज इक्वल टू NRT। जैसे ऐसे प्रेशर कम होता जाता है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऊपर ऊपर प्रेशर कम होता जाता है तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है, लेकिन वो थर्मल इन्वर्जन क्या है, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपकी ये वो है अर्थ, ये कूलर एयर, एक कूल एयर की जैसे जैसे ऊपर जा रहे कूलर एयर होती जा रही है, कूल एयर आती जा रही है, लेकिन थर्मल इन्वर्जन एक कंसेप्ट आया कि वो कहता है कि उसके बाद एकदम से हॉट एयर आती है, हॉट एयर का मतलब थोड़ा सा स्पेस आता है, देन फिर आपका कूल एयर वही ऊपर जाते जाते कूल एयर इंक्रीज होती जाती है। तो इट इज़ सेड दैट कि व्हेन लेयर ऑफ वार्म या हॉट एयर कम और सेटल ओवर अ हॉट लेयर, लेयर ऑफ हॉट एयर कम्स और सेटल ओवर अ लेयर ऑफ कूल एयर, ठीक है, और इस ये हॉट एयर इसको कूलर एयर को ऊपर नहीं जाने देती, ठीक है, एंड डजेंट अलाउ कूल एयर टू मूव अपवर्ड। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने का नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ फायर सेफ्टी। ओके, फायर सेफ्टी में हम 3 टाइप्स के नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि जब आप किसी भी उसमें जाओगे ऑफिस में वर्क करने या कोई भी आप हाउसिंग डिज़ाइन करोगे तब हमें ये फायर कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 3 टाइप के फायर डिज़ाइन होते हैं नेटवर्क्स, डाउन कमर, वेट राइजर, ड्राई राइजर। मतलब जब भी आप डिज़ाइन करोगे हाउसिंग तो आप शाफ्ट दोगे जो भी साइज़ की, उसमें वेट राइजर या ड्राई राइजर हम यूजली देते हैं। डाउन कमर क्यों नहीं देते वो भी हम देखेंगे, वेट राइजर या ड्राई राइजर्स देते हैं। तो डाउन कमर क्या होता है, ये आपकी बिल्डिंग है, नंबर ऑफ फ्लोर्स आपकी बिल्डिंग के ऊपर, ओवरहेड टैंक और उसमें से एक पाइप आई दैट इज कनेक्टेड टू एवरी फ्लोर। फायर सेफ्टी के मतलब वो जो FSC या उससे कनेक्ट होते हैं स्प्रिंकलर से, तो ये पाइप आपको ऊपर से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक डाउन कमर इज द अरेंजमेंट ऑफ फायर फाइटिंग नेटवर्क इन अ बिल्डिंग थ्रू अ डाउन कमर पाइप, मीन्स थ्रू अ डाउन कमर पाइप एंड कनेक्टेड टू अ टेरिस ओवरहेड टैंक, टेरिस टैंक या ओवरहेड टैंक। तो इसमें एक
ओवरहेड, वी नीड ओवरहेड टैंक एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ओवरहेड टैंक से कनेक्ट हो गया। अब इस टैंक के इतना प्रेशर नहीं होता कि ये मतलब फायर स्प्रिंकलर्स में से जल्दी मतलब प्रेशर विद द प्रेशर वो निकल सके। तो इसमें एक लगता है हमारा पंप, देन लगता है गेट वॉल। अच्छा अभी ये वॉल्स वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल ये हम आगे पढ़ेंगे। देन लगता है नॉन रिटर्न वॉल या रिफ्लेक्स वॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर 100 mm का पाइप लगता है, नॉट लेस देन 100 mm डाया पाइप एप्लीकेबल नहीं होता, 100 mm डाया का पाइप लगता है। और ये ईच फ्लोर पे कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिंग ऑन ईच फ्लोर। दिस इज डाउन कमर, एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी एक साथ तीनों के देखेंगे। नाउ कमिंग टू द वेट राइजर, वेट राइजर भी सेम होता है, पाइप कनेक्टेड होता है हर फ्लोर पे, बस डिफरेंस क्या होता है इसका ओवरहेड टैंक ऊपर है, इसका ओवरहेड टैंक अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में टैंक होता है। और इसमें इसमें जो पंप लगता है उससे ज़्यादा पावर वाला यहाँ पे पंप लगता है, प्रेशराइज्ड पंप या प्रेशराइज्ड पंप या वाटर। सो वेट राइजर इज अरेंजमेंट ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम इन अ बिल्डिंग, मीन्स जिसमें वर्टिकल राइजिंग, सेम ओवरहेड टैंक की जगह अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है। पंप गेट रिफ्लेक्स वॉल, पंप आपका थोड़ा प्रेशराइज ज़्यादा हो जाता है, डाया भी पाइप का सेम वही चलता है 100 mm डाया, कनेक्टिंग टू ईच फ्लोर, ठीक है। बट इसमें कंसेप्ट क्या होता है, दिस इज परमानेंटली परमानेंटली चार्ज विद वाटर, इस पाइप में हर वक्त पानी रहता है, मतलब आग लगी हो ना लगी हो पाइप के अंदर पानी हर वक्त रहता है, ठीक है। अब आते हैं ड्राई राइजर की तरफ, ड्राई राइजर इज आल्सो सेम पाइप कनेक्टेड, बस इसमें ना तो कोई टैंक होता है, ये कनेक्ट होता है ऐसे, दोहरा दिया। ओके सो दिस इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, मीन्स एक एक्सटर्नल सोर्स होता है इन केस ऑफ फायर, एक्सटर्नल सोर्स जिसमें फायरमैन आकर अपनी पाइपलाइन जोड़ देते हैं तो पानी इस पाइप मतलब प्रेशर पे इसमें से इनमें जाता है, अदरवाइज कहीं भी पानी नहीं होता। सो इट्स इज द अरेंजमेंट, इसमें भी वही 100 mm डाया का मिनिमम इतना वो चाहिए होता है। एंड इसमें क्या खास है, इट इज़ नॉर्मली ड्राई, नॉर्मली ड्राई, बट जब इन केस ऑफ फायर तो इसमें पानी जाता है, ठीक है। एंड इसमें पंपिंग वम्पिंग कोई पंप वंप या अंडरग्राउंड टैंक की किसी की भी जरूरत नहीं है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो इट वर्क ऑन ग्रेविटी, मतलब कैन वर्क ऑन ग्रेविटी, मतलब कैन वर्क, ठीक है ना, वैसे पंप देते हैं बट इट कैन आल्सो वर्क विद ग्रेविटी। इसके लिए लेकिन इसमें वर्क तो ग्रेविटी है लेकिन इसमें होता है दिस विल एडिशन ऑफ डेड लोड, पूरे स्ट्रक्चर पे डेड लोड ऐड हो जाता है क्योंकि पंप वो इतना ओवरहेड टैंक ऊपर होता है, ठीक है। इसमें क्या है वो है, एक तो इसमें डेड लोड नहीं है क्योंकि आपका टैंक नीचे आ गया, बट इट कांट वर्क विदाउट ग्रेविटी, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट वॉन्ट ऑपरेट, इसमें तो पंप आपको चाहिए चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ना तो आपको डेड लोड की वो डेड लोड अप्लाई एप्लीकेबल है ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स अगर फायरमैन लेट हो जाते हैं तो आपकी बिल्डिंग जल गई,
टोटली डिपेंडेंट ऑन फायर सर्विस, फायर टेंडर व्हीकल, फायर टेंडर पाथ, अगर आपका ढंका नहीं है तो इसमें अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाए तो आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं आ पाएगा, दिस विल बी ह्यूज डैमेज। ओके, तो फायर सेफ्टी में ये तीन याद रखने। देन आता है हमारा मीन ऑफ इग्रेस, नेक्स्ट टॉपिक इन फायर सेफ्टी, मीन्स ऑफ इग्रेस। मीन्स ऑफ इग्रेस क्या है? मीन्स ऑफ इग्रेस इज द फर्स्ट इज कॉन्टीन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, कॉन्टीन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड वे ऑफ एस्केपिंग from a building to the fire of safety to the safe place, ठीक है ना। फर्स्ट इज कॉन्टीन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, मीन्स इट शुड नॉट बी लाइक कि आप किसी भी ऊपर से तीस तीन चार माले तक यहाँ पे आए, फिर उसके बाद आपको बीच में आग में से होके फिर यहाँ से एग्जिट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब मीन्स ऑफ इग्रेस उसे कहेंगे कि आप एक बार उस प्लेस में या उस टेरेस में या उस टावर में घुसे तो उसके बाद आप सीधा एग्जिट बाहर ही करोगे, तभी वो मीन ऑफ इग्रेस उसको कहा जा सकता है, उसको फायर टावर या एनीथिंग कुछ कह सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं कहेंगे। मीन्स अगर आप एक बार इसमें गए फिर चार फ्लोर आपने सीढ़ी से उतरे, पांचवें फ्लोर उसके बाद बाकी के नीचे फ्लोर जाने के लिए आपको एक बार फिर कॉरिडोर में से जाना पड़ा जहाँ पे आग वाग लग रही है, तो वो नहीं है मीन्स ऑफ इग्रेस। इस पर एक कंसेप्ट आया था कि ठीक है ना, एक तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एक अनऑब्स्ट्रक्टिव तो होने चाहिए। ओके, तो इसके में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज फायर टावर। फायर टावर वही है, मीन्स जब हाउसिंग डिज़ाइन करोगे तो उसमें एक फायर टावर देना होता है नॉर्मल स्टेयरकेस के अलावा, जिसमें एक फायर स्टेयरकेस आती है, एक छोटा सा एफएससी लगा होता है, ठीक है। तो इट इज सबसे पहले वो है, इट शुड बी एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसमें मतलब वो फायर रेजिस्टेंट डोर होना चाहिए, एफएससी, ये सब कुछ होना चाहिए। और एरिया जो है वो डिपेंड करता है मतलब नॉर्म्स टू नॉर्म्स, तो इट शुड बी लाइक दिस कि ये यू मीन्स कंटिन्यूस फायर टावर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे दरवाजा, देन इसका जो सारे दरवाजे अंदर की तरफ खोलेंगे, जब जो मेन गेट है मतलब गेट टू द आउटर साइड टू द सेफ प्लेस शुड बी ओपन आउटसाइड, शुड ओपन आउटसाइड, ठीक है। और इसमें वो जो ये डोर लगेंगे, दिस डोर शुड बी फायर डोर्स, और इनकी फायर रेटिंग होनी चाहिए कम से कम 2 आवर्स की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फायर वी मेजर्स फायर रेटिंग इन, मतलब यूनिट क्या है उसकी, तो फायर रेटिंग मेजर्स इन आवर्स, मीन्स टाइम में मेजर करते हैं कितने घंटे वो आग सह सकती है, दैट्स हाउ वी मेजर फायर रेटिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज फायर टावर। फायर डोर की क्या क्या खासियत होती हैं? एक तो फायर डोर फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए, ठीक है। और फायर डोर में एक कंपलसरी है, एक ग्लास लिट होना चाहिए टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, मीन्स पता चल जाए कि कहीं फायर टावर के अंदर ही आग लगी हुई है, या हम एकदम से दरवाज़ा खोल दें और पीछे कोई खड़ा हो, तो ये कंपलसरी है, ग्लास लिट होना चाहिए। देन सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट है, पुश बार या पैनिक बार होनी चाहिए, पुश बार, पैनिक बार, और इसको एक क्रैश बार, क्रैश बार होना चाहिए। होता है कैसे, ये जैसे ये सेक्शन काट रहा हूँ मैं अगर, तो कुछ इस टाइप का लगा होता है इधर एलिवेशन में देखे तो कुछ ऐसे इतना लंबा सा, जिसको अंदर से दबाने पर बाहर की तरफ खुलता है, ये मीन्स इसको जैसे यहाँ से दबाएंगे तो ये
यहाँ पे लगा होता है, दिस इज पैनिक बार, इसको दबाते ये दरवाज़ा खुल जाता है, और वैसे ये दरवाज़ा यहाँ से नहीं खुलता, इसको दबाने से खुल जाता है। तो दैट इज पुश बार पैनिक बार, और इट्स ऑलवेज ओपन आउटवर्ड। ठीक है, एंड ये नया है कि द पैरीमीटर द आउटर द पैरीमीटर ऑफ द डोर शुड बी फिटेड विद और शुड बी प्रोवाइडेड विद पैरीमीटर ऑफ डोर शुड बी शुड प्रोवाइडेड विद रबर स्ट्रिप, मीन्स ये रबर स्ट्रिप एयर टाइट होते हैं एकदम, इसमें से हवा भी नहीं जा सकती। ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि एक नेक कंसेप्ट था, एक डोरमा कंपनी है दरवाजे की, एक मिनट में कंसेप्ट याद कर लो, कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट डोरमा वालों ने बताया था कि जो पैरीमीटर है ना इस दरवाजे का, उन्होंने एक नया मटेरियल निकाला है जो आग लगने पर फैल जाता है। तो मतलब अगर आग लगी तो क्या होता है, आपकी छोटी छोटी वो मतलब डोर कितना भी एयर टाइट हो, नीचे से तो हवा हो, नीचे से तो मतलब इतना 2 mm या 4-5 mm ऊपर हो गई, और साइड में से भी इतनी होती है कि धुआं उसमें जा सकता है, मीन्स ये तो हो गया चलो धुआं, लेकिन कई बार क्या होता है वो पॉइजनस गैस रिलीज हो जाती है, तो वो तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था कि उनका एक मटेरियल था जो आग लगने पर फूल जाता है, तो वो एक इतनी मोटी लेयर और क्रिएट कर देता है दरवाजे पे जो इसको पूरा सील कर देती है, मतलब और ज़्यादा एयर टाइट कर देती है, तो बाहर तो खुल जाता है, अंदर की तरफ तो वैसे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट था, और दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि ये आपकी वो है एयर फाई टावर, तो वो उसको प्रेशराइज, ये तो हो ही रहा आजकल, वो उसको प्रेशराइज और कर देते हैं, मीन्स फ्रेश एयर, जैसे यहाँ पे ये कॉरिडोर कनेक्टेड है, यहाँ पे आग लगी है, ठीक है, और धुआं ऐसे जा रहा है इस तरफ, तो बंदे जो भाग रहे होंगे वो दरवाज़ा तो खोलेंगे ही बार बार, तो दरवाज़ा खोलने पर ये धुआं भी इसमें घुस सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं इसको प्रेशराइज इतना कर देते हैं इस टावर को कि यहाँ पर इतना ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर इज़ मोर देन यहाँ का प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ की हवा इसमें जाती नहीं, मतलब ये गर्म हवा ये धुआं भी इसमें जाने के बजाय यहाँ की फ्रेश एयर इसमें घुसने लगती है, तो जब भी दरवाज़ा खुलता है बंदे चले जाते हैं, धुआं इसमें जाता नहीं, यहाँ की फ्रेश एयर इसमें घुस जाती, तो उसका कुछ हमें नुकसान भी नहीं है। मेन फंक्शन ये है प्रेशराइजेशन का कि ये फ्रेश वो स्मोक इसमें नहीं घुसता, क्योंकि जब भी बंदे भागेंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे ही। ठीक है, मतलब एक तो ये डोर हो गया, और कॉन्सेप्ट ये भी है कि सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस 2 साल का होना, वो 2 घंटे का होना चाहिए। और एक होता है इसमें कंसेप्ट आता है फनल एंड फ्लू इफेक्ट, फनल और फ्लू इफेक्ट, व्हाट इज दिस कंसेप्ट, ये सिमिलरली ये स्मोक टैग इफेक्ट होता है कि मीन्स होता क्या है कि आपके इस, कई बार क्या होता है हमने नॉर्मल गेट लगा दिए और दरवाज़ा जल गया, ठीक है, आग लगी है हमारी इस फ्लोर पे, ठीक है, और हैं यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं इनको पता नहीं, फनल एंड फ्यू इफेक्ट अकॉर्डिंग कि आपने कैसा वो दे दिया कटआउट या टावर जिसमें से आग यहाँ लगी, धुआं यहाँ पे लगा और यहाँ से चढ़ के इन कमरों में भी घुस गया, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं फनल और फ्लू इफेक्ट। तो ये लिफ्ट लोबी, इसमें लिफ्ट लोबी, क्योंकि लिफ्ट लोबी में से भी घुस सकता है धुआं, और स्टेयर वेल, ये सब इसमें वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फनल एंड फ्लू इफेक्ट, और इससे आग या धुआं पूरे बिल्डिंग में फैल सकता है। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम द फायर।